जैसे कि मैंने आपको कहा कि हमारी सेलेब्रिटीज आपको गाइडलाइंस देंगी कि आप अगर सलीका शाहर हैं या आपको दौरा पड़ा है सफाई का या सुघड़ापे का, तो बहुत सारे ऐसे गैजेट्स हैं आसपास आपके जो आपको शायद नहीं पता होगा या ऑनलाइन कहीं नज़र आते होंगे, लेकिन हमारे सेलेब्रिटीज़ उसे इस्तेमाल करें और वो आज आपको दिखाएंगे और शायद ये भी बता दें कि उन्होंने कहाँ से ख़रीदे। सो जो सेलेब्रिटी आज यहाँ मौजूद है, हमें बड़े देख के चूज़ करना पड़ता है, हमें जब ज़रा अंदाज़ा हो जाए कि कौन कितना सलीका शार है, फिर ही हम कहते हैं अच्छा आप इस टॉपिक पर पूरे उतरते हैं। ये बहुत एक मैटर करती है चीज़, और इसलिए आपको सेलेब्रिटीज़ को बड़ी पर्सनली जानना पड़ता है, उनसे गपशप लगा के हमें अंदाज़ा हो जाता है कि हाँ भाई ये तो हमारे इस कंटेंट पे सूट करेंगे। हमारे साथ है मदीहा इफ्तिखार। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? बिल्कुल ठीक ठाक, बिल्कुल ठीक, मज़े में हो? सेट तुम बताओ। बस अल्लाह का शुक्र, अरे भाई बड़े दिनों बाद वेलकम करते हैं हम अंबर खान। अस्सलाम वालेकुम। मैं तो शुक्राने पड़े अंबर, तुम इतना मिस किया अंदर से, लेकिन कितने शोज तुम्हारे बगैर गुजर गए मेरे। लेकिन अंबर ने अंदर से बहुत अच्छा शो दिया ना सबको देखने के लिए। हां बस आई थिंक मेरे लिए विनिंग पॉइंट यही था कि मुझे बहुत अच्छे रिमार्क्स मिले बादशाह सलामत से। मैं वही कह रही थी, ये तो बेचारी इतनी प्यार मोहब्बत वाली लड़ नहीं सकती, तो ये कैसे सबको मुंह देगी। हालांकि निदा मुझे अगर पता होता ना, मैं कई जगह में बोल सकती थी, देखो मैं हक के लिए लड़ सकती। तुम शराफत में मारी गई। मैं हक के लिए लड़ा। अच्छा, मैं शराफत में ही मारे जाते हैं। जहाँ बोली दूसरों के लिए बोली, अपने नहीं बोला। अपने तो मैं सब कामों में लगी रही, सफाइयों में कि ये कपड़ा चार क्यों निकाल लिए, सफाई कोई नहीं कर रहा, गंदा टेबल टॉप हर कोई। मैंने कहा यार क्या कितने फुअड़ है सबके सब, लिटरली हर कोई आपकी तरह सलीका शार नहीं होता। मैंने कहा ईमान से, तो बहरहाल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, लेकिन अफसोस मुझे बहुत था मैं बाहर आ गई। मैं काश अभी वहाँ, मतलब आई कैन फाइट। भाई हमारे शो पे इतने दिनों से नहीं आ रही थी बस। मगर एक चीज़ है, कितने लोग जो कमेंट्स पढ़े ना माशाल्लाह, थैंक यू व्यूअर्स, इतना पॉजिटिव। सबने कहा मॉर्निंग शो नेगेटिव रोल्स, तो लोग समझते थे मैं हूँ इस किस्म की। कितनों को एक इमेज बन जाता है, इमेज कह लेंगे भाई आपने मेरे दिल में जगह बना ली, तो दैट्स एन इंपॉर्टेंट। क्या बात जी। और हमारे पास, अरे ये भी बड़े दिनों बाद आई है मिजना वकास हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। इतनी बिजी हैं आप ड्रामों में, लिफ्ट ही नहीं कराती हमें माशाल्लाह। कैसी जामे और घरदारी में? हाँ ये भी तो जरूरी है, दोनों में। वो भी आ गई, आ गई। और चौथी हमारी आज, तो भाई तुम पहले खड़ी हो, मुझे तुम्हारे कपड़े दिखाने। इतनी कोई मजे की कॉम्बिनेशन है, रहमा जमान हमारे साथ। आई लाइक अ पिंक हील्स। हां नहीं अब हील्स तो दिखाए ना, हम ये क्या उसके पीछे छुप जाएंगी। पिंक ही कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा आपको आइडिया दे दिया ना, पिंक हील्स ब्लैक एंड व्हाइट के साथ। तोड़ दिया ना कलर को, ब्रेक किया कलर ब्रेक। हां भाई ये सारी चीजें भी नोट करते हैं लोग। बड़ी अच्छा आज आपका मेकअप ग्लैमरस हुआ है, वरना बड़े हर वक्त सलीके में आती है। आज ये फुल ग्लैम ब्यूटी बनकर आई हूं मैं। और ग्लैम ब्यूटी आपको बताएगी कि झाड़ू कैसे लगाना है, ये सफाई कैसे करनी है। आई वाज थिंकिंग अबाउट इट कि मैं इतना जो हीरोइन बन रही हूं, उसके बाद मैं ये बताऊंगी कि पोछा कैसे। ऐसे होना चाहिए। देखो जो फिल्म में अगर दिखाते हैं हीरोइन को किचन में, हाँ तो क्या तुम्हें लगता है कि वो कोई भी किचन में ऐसे तैयार होके जाता होगा? सो हम आज मैं आपके लिए एक डेफिनेशन दे सकती हूँ दो तीन लफ्जों की, कतरीना और सकीना एक साथ।